हापड़ में पूर्व सीएम के ममेरे भाई को धमकी। नमस्कार, स्वागत है आपका हापड़ हलचल पर। मैं हूँ आपके साथ आस्था त्यागी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गांव सिमरोली के रहने वाले उनके ममेरे भाई ने कुछ लोगों पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपियों ने 30 लाख रुपये की भी डिमांड की है। पीड़ित ने थाने में शिकायत करके सुरक्षा की मांग की है। सिमरोली निवासी अनिल कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले उनसे थाना देहात क्षेत्र निवासी कुछ लोगों के साथ प्रॉपर्टी का व्यापार किया था। दोनों पक्षों के बीच व्यापार का पूरा लेन देन हो चुका है। 31 मई को वह लोग पीड़ित के गांव में पहुंचे, लेकिन उस समय वे वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद आरोपी गाँव के व्यक्ति की चाय की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर आरोपियों ने दुकान संचालक से उनके बारे में जानकारी ली। आरोपियों ने पीड़ित के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उन्होंने दुकान संचालक से कहा कि अनिल कुमार ने उन्हें 30 लाख रुपए का फर्जी बैंक चेक दिया है। इस संबंध में दुकान संचालक ने पीड़ित अनिल को जानकारी दी, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित ने थाने में शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इसी मामले में पुलिस का कहना है कि मामले में जाँच की जा रही है और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापड़ हलचल।